भारत को बढ़ावा देने के लिए फिल्म बनाई गई है जी। तो ये तो पूरा बॉलीवुड इसी काम पे लगा हुआ है ना। ये बॉलीवुड का की सफाई बहुत जरूरी है, बॉलीवुड को साफ करना इस टाइम बहुत जरूरी है। ये जितने भी मुसलमान बॉलीवुड में हैं वो सारे के सारे जिहादी हैं। ऐसे जिहादियों का असली घर जेल होना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए। और ये जिस तरह से हिंदू की बहन बेटियों को बर्बाद करने का षड्यंत्र वहाँ बैठ कर बुनते रहते हैं, ये समाप्त होना चाहिए। सरकार से मांग नहीं कर रहे कि ऐसी फिल्में बैन होना चाहिए। देखिए, और किससे सरकार से चाहते हैं हम सरकार ये करे, लेकिन सरकार तो खुद लव जिहाद को ख़त्म करने वालों की है। जो कह रहे थे कि लव जिहाद खत्म करेंगे उनकी सरकार है, तो ये उन्हें भी सोचना चाहिए, हमारी भी मांग है ये। मोहन भागवत तो कहते हैं कि कहीं DNA है। हाँ तो मोहन भागवत का DNA होगा, औरंगजेब का, मोहन भागवत का एक DNA हमारा थोड़ा ही है, उनका होगा। वो अपने DNA की बात करें, वो सबके ठेकेदार थोड़े ही हैं। वो अपने करें RSS अपने कार्यकर्ताओं की बात करें, मेरे DNA के ठेकेदार RSS थोड़ी हो जाएगी। RSS जैसी संस्था को भी बैन लगा देना चाहिए। पब्लिक लगा देगी अपने आप, आप चिंता मत करिए, काठ की हांडी बहुत लंबी नहीं चढ़ती, पब्लिक अपने आप बैन लगा देगी। अगर मोहन भागवत जैसे नेता RSS के होते रहे तो RSS को खत्म होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। जनसंख्या कानून के लिए आए तो क्या अब भी लगता है कि 2029 में मुसलमान? देखिए, अभी देखिए 2029 की तो तैयारी पहले से हो चुकी है। मुसलमानों में बच्चे अब हिंदुओं से ज़्यादा हो चुके हैं, वो तो हो चुका है। ये हो सकता है कि कुछ ये अच्छा काम करें, लेकिन एक बात मेरा कहना ये है कि चलिए एक कदम तो उठा, शुरुआत तो कहीं से हुई। अभी देखा जाएगा, और भी अगर सख्त कानूनों की जरूरत पड़ी तो वो भी मांग की जाएगी, लेकिन फिर भी योगी जी ने कदम उठाया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आपकी आवाज़ सुनी योगी जी? योगी जी हमारी सारी आवाज़ सुनते हैं, योगी जी का, इसीलिए हम योगी जी का समर्थन करते हैं। हम योगी जी के अलावा किसी नेता का समर्थन ही नहीं करते। तो बड़ी बात यह है कि योगी जी पे गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है। योगी जी पे मठाधीशी करते हुए गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो देखिए अनलगर, ये जिहादियों के साथ इधर जो चुनाव हुए हैं, ब्लास्ट प्रमुख चुनाव में देखा है आपने, महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है। नहीं, कहीं तार तार नहीं हो रही। आपको शायद समाजवादी पार्टी का या बसपा का समय याद नहीं है, जहां बहुत बड़े बड़े यहां बवाल हुआ करते थे। मतलब यहां जब समाजवादी पार्टी का और बसपा का राज था, जो औरतों की इज्जत तार तार हो रही थी, सड़कों पर बलात्कार हो रहे थे, कम से कम योगी जी ने वो तो रोक दिए। और देखिए, राजनीतिक मैटर है, राजनीति में अगर कोई महिला घर से निकलकर गुंडागर्दी करेगी और उसके किसी ने एकाध थप्पड़ ओप्पड़ मार दिया तो इसे इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यानी कि महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है? नहीं, महिलाओं का सम्मान है, लेकिन जब महिलाएं गुंडागर्दी पर उतारू होगी तो उन्हें फिर इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब महिलाओं के सम्मान का अर्थ ये थोड़े है कि महिलाओं की गुंडागर्दी चलेगी। ओपेक देश वो तो इस्लाम के मुसलमानों के देश है। पूरी पूरा सवाल तो सुन लीजिए, कश्मीर मुद्दे पे वो अपना प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहते हैं। देखिए, वो मुसलमान हैं और उन्हीं के पैसे से कश्मीर में इतना बड़ा बवाल हुआ है। कश्मीर के अंदर जो हिंदू मारे गए, इसके पहले फाइनेंसर तो वही थे ना, ये जितने अरब कंट्रीज हैं ओपेक के मेन तो यही है ना। तो सऊदी अरब पूरी दुनिया में जहाँ भी जिहाद चलता है उसका सबसे बड़ा फाइनेंसर सऊदी अरब ही है ना। तो ये तो उनका काम है, वो जिहादी हैं, वो चाहते हैं कि कश्मीर भारत से अलग हो। प्रतिनिधिमंडल नहीं, भारत सरकार को रोकना चाहिए, नहीं माना चाहिए। देखिए, ओपेक से तो भारत सरकार को समझौता ही नहीं करना चाहिए। हम उनके सबसे बड़े बायर हैं दुनिया में, हम उनके सबसे बड़े बायरों में से एक हैं। हम उनसे तेल खरीदते हैं, उनकी धमकी भी सहन करते हैं। अगर हम उनसे तेल ना खरीदें वो तो भूखे मर जाएं। तो हमें अपनी शर्तों पर काम करना चाहिए उनके साथ। देखिए, योगी जी ने एक पहल की है, मैं उस पहल का स्वागत करता हूँ, लेकिन कानून चीन के जैसा होना चाहिए। जितना कड़ा कानून चीन में है ना, दंडात्मक प्रावधान होने चाहिए। दंडात्मक प्रावधान जब तक नहीं होंगे इन कानूनों का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिहादियों को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए ना, मुसलमानों को। देखिए, वो मैंने पॉइंट दे रखे हैं, जहाँ देने चाहिए वहाँ मैंने दे रखे हैं, लेकिन हमें चीन को फॉलो करना है, हमें बेसिकली चीन को फॉलो करना है। अगर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता है, चीन मानव अधिकारों का, अगर यहाँ जिहादियों की सरकार बन गई, मुसलमान मुख्यमंत्री यहाँ का प्रधानमंत्री बन गया, तो यहाँ किसी का कोई मानव अधिकार नहीं होगा। फिर तो यहाँ दानवों के अधिकार रहेंगे, जैसे पाकिस्तान में होता है, अफगानिस्तान में होता है। आप क्या चाहते हैं, भारत को आप इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं?
और वैसे भी मानव अधिकार मानकों के होने चाहिए, जिनकी किताब में ये लिखा हुआ है ना कि दूसरों को मार दो उनका कोई मानव अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या मुसलमान मानव नहीं है, दानव है? देखिए मुझे तो यही लगता है, मैंने कुरान पढ़ी, कुरान पढ़ के मुझे यही लगा कि जो किताब दूसरों के कत्ल का, निर्दोष लोगों के कत्ल का आदेश देती हो और जो उस किताब में विश्वास करते हो वो मानव, मैं तो नहीं मानते ना मानव है। तो आप तो कुरान के खिलाफ मतलब एक आंदोलन चलाने चाहिए। कोई जरूरत नहीं आंदोलन की, दुनिया समझ रही है कुरान को, कुरान के धरती से समाप्त होने का समय आ चुका है। थोड़े दिनों की बात है, हम कर पाए या ना कर पाए लेकिन दुनिया कुरान को धरती से समाप्त करेगी। हिंदू धर्म में बहुत मतलब जो है गिरावट आ गई है, इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि हमारे देखिए मेरा तो विषय है इस्लाम का जिहाद। देखिए सुनिए, इसके लिए पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ साधु हैं, ये आप उनसे सवाल पूछिए। मेरा विषय है इस्लाम के जिहाद के बारे में अपने बच्चों को बताना, मैं पूरी मेहनत से इस्लाम के जिहाद के बारे में अपने बच्चों को बता रहा हूँ। अब उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए कम से कम 1 करोड़ साधु हैं, आपको उनसे इसके बारे में बात करनी चाहिए। बच्चों के हाथ में बंदूक थमा देना चाहिए? बच्चों के हाथ में तो बंदूक होनी चाहिए, अगर बच्चों के हाथ में बंदूक नहीं होगी तो जो जिहादी बचपन से बच्चों को जो जानवरों को काटने की प्रैक्टिस करवाते हैं और गोली चलवाते हैं उसका हमारे बच्चे मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए बच्चों को जी पढ़ाई छोड़ के आने, नहीं पढ़ाई क्यों छोड़े, योद्धा बने, हमारे यहाँ अभिमन्यु था उसने पढ़ाई छोड़ दी थी क्या? अर्जुन इतना बड़ा वैज्ञानिक था, अर्जुन ने पढ़ाई छोड़ दी थी क्या? कर्ण ने पढ़ाई छोड़ दी थी क्या? द्रोणाचार्य जी ने पढ़ाई छोड़ दी थी क्या? हमारे बाबा परशुराम जी ने क्या वेद छोड़ दिए थे क्या? पढ़ाई और युद्ध कला, उस समय तो मुसलमान नहीं थे ना, तो उस समय राक्षस थे, उस समय राक्षस थे, दुनिया में हमेशा रहे हैं मानव और दानव, दुनिया में हमेशा रहे हैं। तो ये हमेशा की लड़ाई है, कोई आज की लड़ाई, शाश्वत लड़ाई है, चलती रहेगी। इसलिए हमारे लड़कों को युद्ध कला की ट्रेनिंग होनी चाहिए और मैं सरकार से इसकी मांग करता हूँ, भारत के हर हिंदू को युद्ध कला की ट्रेनिंग देना सरकार का दायित्व है, मैं सरकार से इसकी मांग करता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।